आपका स्वागत है। दोस्तों अभी बहुत सारी फेस्टिवल गया है, तो अभी कुछ फेस्टिवल और भी आ रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली करवा चौथ आ रहे हैं, तो करवा चौथ के लिए सबको सबके अच्छे से खरीदारी चल रहा है और अपने कैसे मेकअप करें, कैसे सजे, ये सब तैयारी चल रहा है। तो मेकअप के साथ साथ जैसे कि फेस के मेकअप के साथ साथ हमें किस तरह का कपड़ा पहनना है, कैसे उस दिन के लिए तैयार रहना है, पूजा में बैठना है, वो सब की भी ख्याल रखना जरूरी है। तो मेरा ये वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी हम करवा चौथ के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फेस का मेकअप रहता है तो वो तो हम करेंगे, किसको पसंद है लाइटली मेकअप और किसको हैवी पसंद है, वो सब अपने इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं। फिर आया मेकअप के बाद आया कि हम कैसे साड़ी कपड़ा पहने, जिसको पसंद है, किसी को पसंद है कि हम ड्रेस पहने या लहंगा पहने ये करवा चौथ में ऐसे, कि और किसी को पसंद है कि हम साड़ी पहने। तो साड़ी के बाद जब आती है, थोड़ा साड़ी थोड़ा अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल लुक देता है और फेस्टिवल के सीजन में साड़ी पहनना थोड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे कि साड़ी की बात आता है तो मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी हमेशा सिल्क साड़ी पूजा में बहुत अच्छा रहता है, या फिर आप नेट साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन कलर में चूज़ करेंगे तो जैसे कि ये स्वागत के लिए पूजा रहता है और ये स्वागत लोग करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा डार्क कलर का साड़ी अच्छा लगता है। जैसे कॉम एज में जिन जस्ट न्यू मैरिड है तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क वाला अच्छा लगता है, रेड पिंक ऐसा वाला रानी कलर ऐसा वाला कलर अच्छा लगता है करवा चौथ में। थोड़ा सा एज जैसे कि 30+ 35+ हो गया है तो थोड़ा सा उसके बाद, या फिर 40 तो उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर, ज़्यादा लाइट नहीं, जैसे कि आप देख के ऐसे कलर पहन सकते हैं, थोड़ा सोबर लगता है। तो लेकिन पूजा के लिए थोड़ा सा डार्क कलर ही अच्छा रहता है। तो मैं आज बताऊंगी आपको किस तरह का साड़ी आप ले सकते हैं, कि सबका पसंद अलग अलग रहता है। तो मुझे तो ऐसे सिल्क साड़ी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये है सिल्क साड़ी महाराष्ट्र का, तो ऐसा वाला सिल्क साड़ी आप देख सकते हैं, ये कलर का है, क्योंकि डार्क कलर थोड़ा सा अच्छा रहता है और ये ज़्यादा डार्क में नहीं, पर्पल में है और इसका आंचल ऐसा है, तो आप ये दोनों कलर में है तो ये ज़्यादा डार्क भी नहीं लगता है और सबके लिए ऐसा कलर का अच्छा रहता है, हर एज के लिए ये वाला कलर चलता है। फिर सेकेंड में आता है ये वाला, ये पिंक में आता है और ये डार्क पिंक में नहीं, ये रानी एंड पिंक में मिक्स है, तो ये ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं लग रहा है। तो ऐसा वाला कलर का भी आप साड़ी ले सकते हैं, सिल्क साड़ी थोड़ा अच्छा लुक देता है, वैसे तो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं साड़ी। तो साड़ी का जैसे कि ख़त्म हुआ तो हम आते हैं कि चूड़ी, चूड़ी में आप ऐसे सेट करते हैं, जैसे कि आप इस तरह का स्टोन चूड़ी अभी मार्केट में आ रहा है तो आप ऐसा वाला चूड़ी ले सकते हैं, ऐसा वाला चूड़ी ले सकते हैं और उसके साथ आप ऐसे वाला शीशे का चूड़ी लेके आप उसके साथ ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे सेट करना है। देखिए आप एक हैंड में इस तरह का सेट करके आप पहन सकते हैं, फिर आप नहीं तो इस तरह का भी आप सेट करके पहन सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे स्टोन चूड़ी आपको मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, आप खरीद के ऐसे सेट करते हैं। दो तरह का चूड़ी आप ले सकते हैं और उसको सेट करके पहन सकते हैं। तो ये था चूड़ी का, क्योंकि स्टोन चूड़ी थोड़ा सा अच्छा लगता है फेस्टिवल के सीज़न में, खास करके जब आप हस्बैंड के लिए कुछ पूजा करते हैं तो ऐसे की करवा चौथ आता है, तो इस तरह का पूजा में आपको रेड कलर का चूड़ी या कोई भी डार्क कलर का चूड़ी जो रेड से थोड़ा लिंक रहता है, तो ऐसा वाला चूड़ी बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपके हिसाब से आपको जैसा पसंद है आप ऐसा ले सकते हैं, इसमें कुछ भी कोई भी ये नहीं है। उसके बाद हमारा नेकलेस और नेकलेस इयररिंग्स और मांग टिका, तो मेरे पास इस तरह का
नेकलेस है, ये सेट का आता है और ये मांग टिका है और ये इसका इयर रिंग्स है। ये सेट आप देख सकते हैं इस तरह का, ये बहुत अच्छा लगेगा। पूरा फुल सेट में आ जाता है तो आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी आप अलग अलग मार्केट में मिल रहे हैं, आप ऐसे अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ये करवा चौथ के लिए बेस्ट है। तो फिर इसके बाद ये एक था, फिर इसके बाद आ गया पायल। तो ये तो पूरा सेट है, इसलिए मैं आपको अलग अलग नहीं दिखा पा रही हूँ। इयर रिंग्स अलग, नेकलेस अलग, तो मैंने एक ही सेट का ख़रीदा है तो मैंने आपको एक सेट में दिखा दिया। तो फिर आता है ये पायल, ये एक स्टोन का पायल है। ये ऐसे आर्टिफिशियल गोल्डन का पायल अगर आपको पसंद है तो आप पहन सकते हैं, या फिर आप सिल्वर का पायल पहन सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप कोई भी किस तरह की पायल भी पहन सकते हैं, लेकिन पहनना ज़रूरी है क्योंकि पूजा फेस्टिवल ये सब के लिए तो एक ही दिन तो ये सालों में एक बार आता है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से तैयार होके रहना सबके लिए अच्छा है। तो ये था पायल। पायल के साथ साथ आप बिछुई भी पहन सकती है अच्छे से, कोई स्टोन वाला, और फिर कोई अच्छा सा आपको अगर प्लेन अच्छा है तो प्लेन वाला पहन सकते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो करवा चौथ के लिए आप ऐसे खुद को सजा सकती है और तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि अभी करवा चौथ रिसेंटली आ रहा है, तो आप लोगों को कैसे तैयार होना है अपने फेस मेकअप के साथ साथ, अपने खुद बॉडी का भी हम कैसे अच्छे से तैयार करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? शायद मुझे थोड़ा सा मेरे ये वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरह का ज्वेलरी और किस तरह का कपड़ा पहनेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, आप ज़रूर लाइक करना, लाइक करने के लिए मत भूलिए, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड को सबको शेयर करना सबके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करना वीडियो को, लेकिन देखने के बाद थोड़ा भी यूजफुल लगा तो सबके साथ जरूर शेयर करना। न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर।